हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। दोस्तों, जब भी आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली गर्म होना स्टार्ट कर देता है। ऐसा दूसरी डिवाइसेस के साथ भी होता है, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, चाहे वो आपका फैन हो, बल्ब हो, आयरन हो या गीजर हो, कोई भी डिवाइस को आप ले लीजिए, वहां पर क्या होती है, आपकी हीट जनरेट होती है। तो ये हीट क्यों जनरेट होती है, इसके पीछे का कारण क्या है और हीट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, आज हम इस वीडियो में सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, हीट इज जनरेटेड ड्यू टू हिंड्रेंस कॉज्ड बाय अ कंडक्टर एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है कि जब जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से या किसी भी डिवाइस के अंदर से हीट इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो वहां पर क्या जनरेट होती है, आपकी हीट। और इस इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि हीट आई कहां से, क्योंकि हमने तो पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, और हीट क्या आपकी एक एनर्जी है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर जब भी हम किसी कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी क्या होता है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बैटरी क्या करेगा, इन चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, एक करंट सेटअप होगा। बैटरी कौन सी एनर्जी आपकी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस कंडक्टर के थ्रू होते हुए, तो ये जो बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन के पास है, वो कुछ पार्ट किसको देने वाले हैं, आपको हीट में कन्वर्ट करने वाले। मतलब कि यहां पर हीट आई कहां से, सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कैसे, हाउ, कि ये एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, इसको हमको देखना है। ऐसा क्या हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर जिसकी वजह से यहां पर हीट जनरेट हो रही है, तो इसको समझने के लिए हमको कहां पर जाना पड़ेगा, इस कंडक्टर के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है जिसकी वजह से हीट आपकी जनरेट हो रही है। चलिए, तो इस कंडक्टर के अंदर हम लोग आ जाते हैं। हमने पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, आपके एटम्स होते हैं या फिर कह लीजिए पॉजिटिव आयन्स होते हैं, और क्या होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। जब मैंने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी जगह से क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे, ड्रिफ्ट होंगे किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, बिकॉज इनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो ये कहां पर अट्रैक्ट होंगे, आपके पॉजिटिव की तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन की टक्कर होने वाली है किसके साथ, एटम्स के साथ। देखिए एटम के साथ क्या होंगे, यहां पर टकराने वाले। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी दो चीजों की टक्कर होगी, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अपनी कुछ एनर्जी किसको डोनेट करने वाले हैं, इस एटम को। ये एटम को क्या करेंगे, अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। एटम तो अपनी जगह से मूव कर सकता नहीं, तो एटम क्या करेगा, उस एनर्जी की वजह से वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा। और जब ये एटम यहां पर वाइब्रेट होगा, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी हीट। दोस्तों देखिए, हीट कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, आप दो हाथों को अगर रब कीजिए तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, या जब कोई दो चीज टकराएगी तो उनके बीच क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज। तो यहां पर कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, हीट में। तो सेम चीज यहां पर हो रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकरा रहे हैं, तो यहां पर क्या होने वाली है, आपकी हीट जनरेट होने वाली है। तो ये जो हिंड्रेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, आपका हीट जनरेट होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसी प्योर रेजिस्टर की, प्योर रेजिस्टेंस मतलब एक वायर, आप मान लीजिए कि एक वायर के अंदर अगर हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपका मैक्सिमम पार्ट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हीट के अंदर। एग्जाम्पल क्या है इसका, बल्ब। एक बल्ब को अगर हमने लिया, तो यहां पर देखिए आपका जो बल्ब है उसके अंदर क्या होता है, एक वायर लगा होता है ना, ये वायर जो होता है ना आपका एक टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन एक मेटल होता है, ऐसा मटेरियल होता है यहां पर जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो जब हम इस वायर के अंदर से करंट को फ्लो करवाते हैं, तो करंट जो होता है ना, उसकी वजह से यहां पर क्या जनरेट होती है, आपकी हीट। हीट की वजह से ये वायर क्या हो जाता है, बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। और जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो वो क्या करती है, लाइट को इमिट करती है। तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा। आप देखिए, बल्ब को जब आप ऑन करते हैं, तो कुछ देर बाद जब आप उसको टच करेंगे, तो आपको गर्म फील होगा। तो गर्म क्यों फील होता है, क्योंकि यहां पर आपका इलेक्ट्रिक करंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है, हीट में। और उस हीट की वजह से यहां पर क्या जनरेट हुई, आपकी लाइट। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हुआ, कुछ पार्ट उसका लाइट के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर लाइट वाला जो पार्ट होता है, वो बहुत कम होता है, अराउंड 5% एनर्जी जो है आपकी लाइट में कन्वर्ट होगी। वहीं पर अगर हम लोग बात करें किसी एक फैन की, तो देखिए सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं होती। अगर हम फैन की बात करें, तो फैन क्या करता है, आपका मूव करता है, घूमता है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल में।
और साथ ही कुछ हीट भी जनरेट हुई है। तो यहां पर ये जो हीट जनरेट हो रही है ना, ठीक है, ये क्या है, कुछ पार्ट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट में जनरेट होगा, कुछ पार्ट मैकेनिकल में, कुछ हीट में। तो इस तरह से यहां पर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आपका हीट किस पे डिपेंड करता है, क्या सभी कंडक्टर में सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा या अलग अलग होगा। तो देखिए, हीट यहां पर आपका किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, हिंड्रेंस की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो हीट है वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, रेजिस्टेंस पे। रुकावट जितनी ज्यादा होगी कोलिजन उतना ज्यादा, तो पहली चीज तो क्या, रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट जनरेट होगी। सेकेंड किस पे डिपेंड कर सकता है, ये टाइम पे करेगा, कैसे करेगा, जितनी ज्यादा देर तक करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा बार कोलिजन होगा ना, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी क्या जनरेट होगी दोस्तों, यहां पर हीट जनरेट होने वाली। तो पहला रेजिस्टेंस, दूसरा टाइम, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, जो करंट होगा इसके अंदर, जो करंट फ्लो होने वाला है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर इसके अंदर कंडक्टर के अंदर 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पेयर का मतलब क्या होता है, 1 कूलाम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कूलाम का चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर हम इस करंट को बढ़ा दें 2 एम्पेयर कर दें, तो यहां पर देखिए क्या होगा, 2 कूलाम पर सेकेंड। अब 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 2 कूलाम। तो पहले वाले केस में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कर रहा है, दूसरे में 2 कूलाम, तो दूसरे केस में चार्ज ज्यादा हो गया। अब देखिए, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, मतलब जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होने वाला है, कोलिजन। तो करंट भी क्या, करंट अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हीट एनर्जी भी इंक्रीज होने वाली। तो तीन फैक्टर है जिनके ऊपर आपका क्या कर रहा है, हीट डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस, टाइम और करंट। नाउ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी, कि करंट, इस हीट को हम मेजर कैसे करें, कितनी हीट जनरेट हो रही है, ये हमको पता होना चाहिए। क्योंकि जो चीज मेजरेबल नहीं होती ना, वो हमेशा हमारे लिए डिफिकल्ट होती है उसको हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल आप कोरोना को देख लीजिए, आज के टाइम में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना के बारे में हमको ज्यादा कुछ डिटेल्स पता नहीं है, बहुत सारी चीजें हमको अभी तक उसके बारे में पता नहीं है, हम मेजर नहीं कर पा रहे उसको एग्जैक्टली, कि इसका इफेक्ट कितना होगा, क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरह से बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो जब हम किसी चीज को मेजर नहीं कर पाते, तो उसको डिफिकल्ट होती है, हमको उसको डिफिकल्टी होती है हमको हैंडल करने में, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि हीट कितनी जनरेट हो रही है ये हमको पता करना है। मतलब हमारे पास कोई एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो हमको ये बता दे कि कितनी हीट, कितने किस कंडक्टर में कितनी हीट जनरेट होने वाली। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग, कितनी हीट यहां पर जनरेट होगी। चलिए हीटिंग इफेक्ट में हम लोग यहां पर कितना हीट जनरेट होगा उसके लिए एक डेरिवेशन करते हैं छोटा सा। दोस्तों, जब भी हम किसी बैटरी से किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी क्या सप्लाई करती, क्या प्रोवाइड करती, इलेक्ट्रिक पावर। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना आपको, पावर सप्लाई हम लोग बोलते हैं, पावर डिलीवर। तो यहाँ पर ये क्या सप्लाई करती है, आपकी पावर। पावर का मतलब क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को हम एनर्जी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा एनर्जी है, पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो हम इसको ऐसा लिखे क्या, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया आपका एनर्जी। ये टाइम को इधर ले लिया, तो पावर इंटू टाइम कितना हो गया आपका एनर्जी। अब अगर पूरी की पूरी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट के अंदर, तो इस एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, एच इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, पी इंटू टी। नाउ ये जो पी है आपका, ये क्या है यहाँ पर, पावर। कौन सी पावर है ये, इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर का हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन किया था, कि पावर इज इक्वल टू कितना था आपका, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन को हम लोग क्या लिखते थे, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, V इंटू क्यू अपॉन में कितना है, टी। और क्यू बाय टी कितना होता है आपका दोस्तों, यहां पर होता है करंट। तो पावर कितना हमारा निकल कर आया था, वी आई। तो यहां पर अगर मैं इस पावर की वैल्यू पुट करूं, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, वी आई इंटू टी, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, रजिस्टर की बात कर रहे हैं, रजिस्टर मतलब क्या, वो डिवाइस जिसका कुछ रजिस्टेंस होता है, या वो कंडक्टर जिसका कुछ रजिस्टेंस होता है। तो अगर हम एक रेजिस्टर की बात करें, तो रेजिस्टर किसको फॉलो करता है, ओम्स लॉ को। फटाफट से बताओ, ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, बिल्कुल करेंट। तो यहां पर अगर मैं इस V की वैल्यू पुट करूं, देखिए H इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, आई आर इंटू आई इंटू टी। देखिए आई इंटू आई कितना हो जाएगा भाई, आई का स्क्वायर आर टी। तो आपका जो हीट जनरेट हो रही है ना, वो कितनी आ रही है यहां पर, आई स्क्वायर आर टी। यही तो हम लोगों ने बात किया था अभी, कि कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है कि आपको, मतलब कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हीट क्या होगी, बढ़ेगी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट। सेकेंड अगर आप देखो, तो यहां पर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम जितना ज्यादा, हीट उतनी ज्यादा होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहां पर करंट, करंट बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगी, यहां पर बढ़ेगी। लेकिन करंट के साथ इसका जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, स्क्वायर रिलेशन है।
इसका मतलब क्या है कि अगर मैं करंट को डबल करूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। करंट को डबल करने पर हीट 4 गुना बढ़ेगी, रेजिस्टेंस को अगर डबल करें तो हीट भी डबल, टाइम को अगर डबल करें तो हीट भी क्या होगी आपकी डबल होने वाली। तो इन तीन फैक्टर के ऊपर यहां पर आपका क्या करने वाला है, हीट जो है वो डिपेंड करने वाला है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्या हम इस हीटिंग का कहीं पर यूज कर सकते हैं क्या, क्या इसका एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का। ये हीटिंग इफेक्ट के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो दोस्तों कुछ डिवाइसेस है जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करती है। फॉर एग्जांपल आपका जो आयरन है या गीजर है या फिर इमर्शन रॉड है, ये सारी डिवाइसेस किसका यूज करती है, हीटिंग इफेक्ट का। मतलब कि जब हम उसके अंदर से करंट को पास करते हैं तो वहां पर हीट जनरेट होती है और उसका हम क्या करते हैं, यहां पर यूज करते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर हम लोगों को हीट प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम किसका यूज करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, हीट जनरेट करने के लिए। अब हमको वहां पर क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हीट हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है हीट का वो कितना है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहां पर अगर मुझे हीट को इंक्रीज करना है, हीट बढ़ाना है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता हूं। करंट मेरे कंट्रोल में नहीं है और टी मेरे कंट्रोल में नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक घंटे के लिए किसी डिवाइस को यूज करना है तो मैं उसे एक घंटे ही करूंगा, दो घंटे नहीं करूंगा। तो टाइम को हम लोग यूज नहीं करेंगे हीट को बढ़ाने के लिए। करंट जो है कुछ डिवाइसेस का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है कि उसको इतना करंट तो चाहिए, और उससे ज्यादा अगर हम करंट को प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर आपकी डिवाइसेस जल सकती है, खराब हो सकती है। तो यहां पर ये वाला भी एक बेटर तरीका नहीं होगा। तो अगर मुझे हीट को इंक्रीज करना है तो कैसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस है। तो ऐसी डिवाइसेस जहां पर हमको हीट प्रोड्यूस करना है लाइक आयरन रॉड या हीटर, वहां पर हम ऐसा मटेरियल यूज करने वाले हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, हाई। हाई रेजिस्टेंस की वजह से वहां पर क्या होने वाली, ज्यादा ज्यादा हीट जनरेट होगी और उसका आप लोग क्या करेंगे, हमारे काम के लिए हम उसका यूज करने वाले, ठीक है। नाउ इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह पर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस है जहां पर हमको हीट की जरूरत नहीं है। तो वहां पर अगर हीट प्रोड्यूस होती है इस करंट के फ्लो की वजह से तो ये हमारे लिए क्या, एक अनडिजायरेबल इफेक्ट है, हम नहीं चाहते कि वहां हीट जनरेट हो। लेकिन करंट अगर फ्लो करेगा तो हीट तो जनरेट होगी क्योंकि हर मटेरियल का, हर डिवाइस का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसी डिवाइसेस लाइक आपका फैन हुआ, फैन का प्राइमरी काम क्या है, आपका पंखा घुमाना, मतलब मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होना। वहां पर हम क्या चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो, मैकेनिकल में। लेकिन कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसमें कन्वर्ट होता है, आपका हीट में। तो वो हमारे लिए क्या है, वेस्टेज, क्योंकि हम पंखे को गर्म थोड़ी ना करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपका हीट अनडिजायरेबल है। मोटर्स की अगर हम बात करें या मोबाइल फोन्स की अगर हम लोग बात करें जिनको हम लोग यूज करते हैं, वहां पर भी हमको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम हीट जनरेट नहीं करवाना चाहते। लेकिन ये फिर भी आ जाती, फिर भी हो जाती, तो ये क्या आपके लिए एक अनडिजायरेबल इफेक्ट है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अगर हमको रिड्यूस करना है हीट को, तो हम क्या करें, अगेन एक ही चीज के साथ हम खेल लेंगे यहां पर, किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। क्योंकि कई बार करंट और टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, कितना टाइम हमको उस डिवाइस का यूज करना है वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, तो उसको हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और करंट जो होता है ना, हर डिवाइस का कुछ एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि उसको इतना करंट चाहिए। तो यहां पर करंट जो है आपका, वो उसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास बचता क्या, रेजिस्टेंस। अगर हम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस गिरा दें तो हीट का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी डिवाइसेस जहां पर हमको हीट प्रोड्यूस नहीं करना, हीट की डिजायरेबिलिटी नहीं है, वहां पर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कम रखेंगे। और जहां पर हमको इस हीट का यूज करना है वहां पर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हीटिंग इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशन भी है और कुछ यहां पर क्या आपके पास लिमिटेशंस भी हीटिंग इफेक्ट की आती है। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, जो कि आपका फ्यूज वायर। देखिए फ्यूज का नाम आपने सुना होगा, हम जनरली बात करते हैं कि इसका तो फ्यूज उड़ गया। तो ये फ्यूज उड़ गया, इसका क्या मतलब होता है, फ्यूज आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है जिसको हम लोग सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं। हम किसी भी डिवाइस के साथ फ्यूज को किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। सेफ्टी में एक ऐसा काम करता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर इस फ्यूज में से करंट पास हो जाएगा तो यहां पर हीट जनरेट होगी और उस हीट की वजह से इसका जो वायर है वो क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट हो जाएगा। अगर ये वायर यहां से मेल्ट होता है तो ये क्या हो गया, आपका कनेक्शन टूट गया, तो ये डिवाइस के अंदर से जो एक्सेस करंट फ्लो कर रहा था वो बंद हो गया। तो ये जो डिवाइस है ये प्रोटेक्ट हो जाएगी जलने से, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी एक डिवाइस है, मान लेते हैं कि आपका जो फ्यूज वायर है उसका रेटिंग कितना, 1 एम्पियर। अलग अलग रेटिंग क्या आते हैं, लाइक 1 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड सो ऑन, इस तरह से क्या आती है आपकी फ्यूज वायर की रेटिंग। तो मान लेते हैं कि इसका जो रेटिंग है वो कितना है, 1 एम्पियर। अब अगर यहां से आपका जो करंट है वो कितना, लेट्स से कि 0.8 एम्पीयर का यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका फ्यूज जो है ना ब्रेक नहीं होगा। मतलब कि यहां पर जब तक कि 1 एम्पीयर से ज्यादा का करंट फ्लो नहीं करता तब तक ये वायर यहां पर मेल्ट नहीं होगा,
ठीक है। अब यहां पर अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका जो करंट है वो इंक्रीज होकर कितना हो गया 1.5 एम्पीयर, तो ये इसकी रेटिंग से ज्यादा हो गया, तो यहां पर क्या होगा, देखो करंट बढ़ गया ना, करंट कितना हो गया I, H is equal to कितना होता है आपका I square RT, तो पहले करंट कितना था आपका 0.8 था, अभी करंट कितना हो गया 1.5, तो करंट अगर यहां पर बढ़ गया तो हीट क्या होगी इंक्रीज, यहां पर क्या होगी ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होगी, उसकी वजह से ये वायर क्या होगा आपका पिघल जाएगा, और वायर जब पिघलेगा तो ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, कनेक्शन ब्रेक हो गया तो यहां पर आपका जो डिवाइस है वो क्या हो गई आपकी इस सप्लाई से डिस्कनेक्ट, तो यहां पर ये जो एक्सिस करंट फ्लो करा उसकी वजह से आपका क्या हो सकता था डिवाइस डैमेज हो सकता था, लेकिन फ्यूज क्या करेगा हमको बचाएगा, तो फ्यूज भी अगेन किस पे काम करता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर, फ्यूज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए आपको इतना जानना यहाँ पर जरूर था, तो अगर मैं इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करूं तो यहां पर हमने देखा कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब भी करंट किसी कंडक्टर में से पास होता है तो वहां पर क्या होती है हीट जनरेट, उसी को हम क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आता क्यों है, तो ये होता है आपका कोलिजन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है। कौन कौन से फैक्टर पे हीट डिपेंड करती है, डिपेंड करती है आपका करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस और टाइम, तीन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला कितना होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, इसको हम क्या बोलते हैं जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ डिस्कशन था यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का, ये अपना इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल वीडियो देखेंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप फिजिक्स को जब तक नहीं सीख सकते तब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व ना करोगे, सॉल्व जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियरिटी आएगी। तो नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले अच्छे से, आपके एनसीईआरटी के भी और कुछ कॉम्पिटेटिव लेवल के भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बट थ्योरेटिकल पार्ट हमारा इस चैप्टर का यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, ठीक। तो तब तक बने रहिएगा, जय हिंद जय भारत।